आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 15, 16 व 17 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। सभाध्यक्ष महोदय, मैंने जब पर्यावरण शब्द सुना भी नहीं था, उससे बहुत पहले से ही मैं उस विषय में गहरी रुचि रखती हूँ और अब मेरा खुश होना स्वाभाविक है कि लोग इस खतरे के प्रति सजग हो गए हैं जो हमारी इस दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है। मुझे मालूम है कि ऐसे श्रोता वर्ग के सामने मैं बोल रही हूँ जो विचारों की दृष्टि से बदला हुआ है, और मैं बहुत सी बातें कहूँगी जो आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये और बड़े श्रोता वर्ग के सामने आनी चाहिए विराम। इसका कारण यह भी है कि सारे देश में अभी तक इस विषय पर काफ़ी जागृति नहीं है। विराम, मैं आशा करती हूँ कि यह समिति सारे देश की और विशेष रूप से हमारे नवयुवकों की इस आंदोलन में रुचि जगाने और उन्हें इसमें सम्मिलित करने में सफल होगी। विराम पैरा। जब मनुष्य को पहली बार यह पता चला कि वह प्रकृति को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, तभी से उसने अपने पर्यावरण से खिलवाड़ शुरू कर दिया। विराम, मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंश है और वह इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में से एक है, लेकिन उसने अपने को इसके शोषण का अधिकारी मान लिया है। हस्तक्षेप के कारण बहुत सारे ऐसे भयानक परिवर्तन हो गए हैं जिनसे हमारे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है जितना पहले मनुष्य की ओर किसी गतिविधि से नहीं पड़ा था। अतः आज हम जिन पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके न जाने कितने पहलू हैं। मानव व्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रकृति को नष्ट किए बिना उसके संरक्षण तक विविध पहलू हैं। पैरा, इस बारे में पहले एकदम नाक भौं सिकोड़ने का जो तरीका था वह बदला अवश्य है, पर कुछ लोग अभी तक यह समझते हैं कि प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के बारे में सोचना एक प्रकार की सनक है। कुछ चीते या गेंडे या कुछ किस्म के पौधे यदि खत्म हो गए तो इसमें चिंता की क्या बात है। आपके विचारणीय विषयों के पर्चे में इसका उत्तर दिया गया है। ऐसा वातावरण जिसमें पशु और पौधे खत्म हो जाएं, वह मनुष्य जाति के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यह भी यही मनोवृत्ति है जो मनुष्य की एक जाति को भी दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानती है। प्रदूषण 4 कारणों से होता है। सभाध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियां, जनसंख्या, उत्पादन व उपयोग का स्तर और प्रौद्योगिकी का स्तर व उपयोग, उद्योग बहुल देशों की पर्यावरण संबंधी समस्याएं पूर्ववर्ती दुरुपयोग का परिणाम है। दूसरी तरफ विकासशील देशों की ये समस्याएं मुख्यतः इस पर निर्भर करती हैं कि वहाँ
मशीनों का उपयोग या दुरुपयोग किस पर किया जा रहा है। निर्धन देशों या समाजों में अपर्याप्त विकास और अटूट निर्धनता, अशुद्ध पेयजल, कुपोषण, सफाई का अभाव, अपर्याप्त मकान और बीमारी जैसी समस्याएं हैं। जैसा कि अर्थशास्त्रियों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने बताया है कि विकास इनमें से अधिकांश समस्याओं की जड़ नहीं बल्कि इलाज है। फिराम निर्धन देश आयोजित विकास को अपने उन्नत जीवन का साधन न माने, यह हो नहीं सकता। इस प्रकार के आयोजन में विकास के लक्ष्यों के बार बार आंकने की व्यवस्था रहनी चाहिए और लक्ष्य है निश्चित रूप से सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं, जैसे कि स्वास्थ्य, मकान, साफ जल, वायु तथा सुंदर प्राकृतिक वातावरण को जुटाना। हमें एक ही आयाम के इस मापदंड को छोड़ देना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि ही विकास है। हमारा बल संपूर्ण मानव जीवन की गुणात्मक उन्नति पर होना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की परिमाणात्मक वृद्धि पर। हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है उससे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता कि हमें बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रहन सहन अपने लोगों के लिए अवश्य उपलब्ध कराने हैं, और ऐसा करते हुए उन्हें प्रकृति और अपने पर्यावरण से दूर नहीं हटाना है। न प्रकृति और उसके सौंदर्य, ताजगी और शुद्धता को नष्ट करना है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पैरा जैसे जैसे हमारा अधिकाधिक विकास होगा, शायद हमारे यहाँ भी विकसित देशों की तरह पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। दूरदृष्टि और कल्पनाशील भौतिक आयोजन से बहुत से संभावित खतरों से बचा जा सकता है या उन्हें काफ़ी कम किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हमारी चिंता इतनी न हो कि हमें निर्धनता या प्रदूषण में से एक को अवश्य चुनना पड़े। अधिकांश लोगों के लिए प्रगति पश्चिम की नकल का पर्याय बन गया है, लेकिन जहां कहीं भी हमने अपनी परिस्थितियों की ओर आंख बंद करके काम किया है वह सुखद परिणाम सामने नहीं आए हैं। अब हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आखिर हम किस प्रकार की प्रगति की आशा करते हैं। पैरा महोदय, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से, या मैं कहूं कि विश्व के किसी भी भाग के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ है कि 2-4-6 महीनों में ही लोग इससे आश्चर्यजनक आशा बांधने लगे हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि 30-40 वर्ष से यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है, इसके परिणाम आए कि नहीं आए। आज अगर एक जिले को साक्षर बनाने के लिए हम 65 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 65 लाख रुपए देते हैं या 70 लाख रुपये देते हैं, तो उसी राशि से इतना बड़ा सवाल उठने लगता है कि इस पैसे का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। लोग गांव-गांव में पूछने लगते हैं, जबकि एक जिले के किसी औसत विकास खंड में भी अब 5-7 करोड़ से कम राशि विकास के लिए खर्च नहीं होती है, पर इनके बारे में कभी प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपये सड़क के लिए आया तो कहाँ गया, या यहाँ पर कुआं खोदने के लिए पैसा आया तो वह कहाँ गया, या यहाँ पर स्कूल भवन
नहीं बना है या स्कूलों में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। वहाँ किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के प्रश्न कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही न उठाए गए हों तो मैं सोचता हूँ कि यह कार्यक्रमों की मजबूती है। पैरा, इसकी पारदर्शिता अगर कहीं अपारदर्शी हो जाए, दिखने न लगे, कहीं ऐसे छिपकर गली कूचों में भी हम हैं, हमारे साक्षरता कर्मी हैं, उनकी आवाज़ सब जगह पहुंच रही है और आपसे हमारा अनुरोध है कि उन गली कूचों में जो काम हो रहा है उस आवाज़ को आप और ज़्यादा फैलाएं, उसको राजमार्गों से दूसरी सब जगह ले जाएं। विराम। इसके लिए ही हम प्रचार माध्यम का समर्थन करना चाहते हैं। विराम। पैरा, एक और चीज है जो मैं प्रसार माध्यमों के संबंध में कहना चाहता हूँ। विराम। वैसे हमारे समय में अब प्रसार माध्यमों के प्रचार प्रसार से हर कोई चमत्कृत है, हर कोई भौंचक्का रह जाता है कि यह क्या हो रहा है और कैसा होने जा रहा है। विराम। दिन प्रतिदिन वह माध्यम जिस तरह से बढ़ रहा है उससे जहां चकाचौंध है वहां कुछ लोग सहमते भी हैं, डरते भी हैं, ये कहां ले जाएंगे। पूर्ण विराम।